तो हमने पिछले सेशन में यह पढ़ा था कि अगर हम चाहते हैं एक वैल्यू को स्टोर करना अपने टेबल में तो कैसे करते हैं। आज यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अगर हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं एक साथ में तो टेबल में कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिख दिया है, मैंने यहाँ पे कॉलम नेम और कॉलम नेम नहीं लिखा है, मैं रियल एग्जाम्पल दिया हूँ। मैं यहाँ पर इंसर्ट इन टू एम्प्लॉय डिटेल, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, इंसर्ट इन टू टेबल नेम, यहाँ पे कॉलम नेम 1 कॉलम नेम 2। तो हम बेसिकली ये कर रहे हैं नेम एज और सैलरी हमेशा यूज कर रहे हैं, तो मैंने ये किया। वैल्यूज यहाँ पे हमने जो भी, मैंने ध्यान देने वाली बात है मैंने कभी भी ये ऑर्डर मिस नहीं करा है, आप लोगों को मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ये ऑर्डर कभी मिस नहीं करना है, ऑर्डर मिस करेंगे डेटा टाइप एरर आएगा, तो ये ऑर्डर कभी मिस नहीं करना है। तो हमने ये डाला नेम एज सैलरी और वैल्यूज। अब यहाँ पे जब हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर रहे थे तो क्या किए, एक वैल्यू के बाद हमने कॉमा डाला, कॉमा के बाद फिर एक वैल्यू डाला, पूरा होल वैल्यू जो भी था नेम एज सैलरी, उसके बाद कॉमा डाला, पूरा नाम पूरा ये डाला, सारे कॉलम नेम, और उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलन से क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आप चाहे तो 10, 20, 50 जितना भी एक साथ में अगर आप वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इससे इजीली कर सकते हैं, आपको हर एक बार वो रन नहीं कराना होगा, इसमें मल्टीपल वैल्यू। और यहाँ पे बस ये कॉमा ध्यान से देना है, मैं कॉमा यहाँ भी दे सकता हूँ, यहाँ भी दे सकता हूँ, ये इजीली आइडेंटिफाइएबल है इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इजीली हमें पता चल रहा है कि हाँ ये कॉमा के बाद शुरू हुआ है। तो यही रहा अपना सिंटेक्स और ऐसे ही क्रिएट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में लैब सेशन करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने टेबल को क्रिएट किया था लेकिन उसके बाद हमने वैल्यू को इंसर्ट करके नहीं देखा। और एक कमांड वहाँ पे मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, मैं एक कमांड बताऊँगा वहाँ पर जो कि होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल नेम। तो ये क्या करता है, ये बताएगा हमें, ये जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो तो हमें दिखाएगा नहीं, वो बस दिखाएगा ओके 3 रो अफेक्टेड 5 रो अफेक्टेड जितना भी वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने राइट वैल्यू को इंसर्ट करा, तो ये टेबल में कैसे दिखेगा। तो उसके लिए एक कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो ये जो सेलेक्ट कमांड है वो हम आगे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं, जब हम पढ़ेंगे क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, क्रिएट तो हो गया, रीड अपडेट और डिलीट जब हम यूज करेंगे आगे, हम सब ये सब एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो उस समय हम सेलेक्ट को भी इंट्रोड्यूस करेंगे प्रॉपरली। यहाँ पर मैं बस ये बता दे रहा हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हम जब डालेंगे तो हमें सारी वैल्यू जितनी भी टेबल में इंसर्ट हुई होंगी वो सारी एक बार में शो कर देगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कमांड है वो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और यहाँ पे टेबल नेम, तो हमारा टेबल नेम है एम्प्लॉय डिटेल, और यहाँ पे सेमी कॉलम से क्लोज करना है। तो ये जो स्टार है ना, स्टार बोल रहा है कि हमें सारे वैल्यू दे दो, जितने भी हमारे कॉलम है वो सारे वैल्यू, जितने भी रो हैं सारे वैल्यू दे दो। तो इसका यही मतलब है, जो कि हम अपने जब भी हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो इसको रीचेक करने के लिए कि हमारा जो वैल्यू सही इंसर्ट हुआ या नहीं, उसके लिए हम यूज करेंगे, और बाद में फिर हम इसका बहुत अच्छे से यूज देखेंगे सेलेक्ट कमांड का। तब तक के लिए थैंक यू।